हाँ जी, दो चीज इनको भाग बराबर करके। अच्छा हाँ हाँ, इनको जला दो। अच्छा जला देना होगा। किसमें? ये कोरा बर्तन होगा इतना बड़ा, ठीक है। हाँ, उसमें रख करके, मिट्टी का बर्तन, हाँ उसमें रख करके, और वो चिता रचा दो। क्या कर दो? मतलब वो उसको लकड़ी उकड़ी में अच्छा जोड़ के, हाँ, और उसमें आग लगा दो। अच्छा, हाँ वो जल जाएगा सब, ठीक है, उसका राख बन जाएगी। कतई उसका राख बन जाएगा, राख। हमें उसका कोयला नहीं चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? राख, राख चाहिए। हाँ ठीक है, वो भस्म बन जाएगा। हाँ, तो उसको उसमें फिर क्या डालेंगे? मिश्री। अच्छा, ये धागे वाली मिश्री जो होती है, ठीक है, मिश्री। हाँ, एक तो ये छोटी छोटी होती है, वो नहीं, ठीक है, बड़ी वाली जो मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, ठीक है, उसको थोड़ा कम डाल के, इतनी नहीं, कम, समझ गया, हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ हाँ, उसको पीस दिया। अच्छा, मिला दिया। अच्छा, फिर उसकी खुराक बनाया। अच्छा, ये बन गई आपकी, बासू बन गई, मतलब, हाँ ठीक है, उसको दीजिए, ठीक है। बाकी और अस्थमा के लिए करते हैं कुछ? हाँ जी, अस्थमा, दमा, दमा, ये दमा ही में काम देगी, खांसी में भी देगी, दमा में भी। हाँ अच्छा, असलियत में दमा में ज़्यादा काम देगी। अच्छा, दमा का ज़्यादा है। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। सिर दर्द हो जाता है? हाँ, सिर दर्द के लिए भी है। क्या करते हैं उसमें? ये सिर दर्द के लिए तो आपको नहीं मिलेगा, वो आप कुछ और कहते हो? नहीं, बता दीजिए आप, मैं हम बता लेंगे। आपका क्या नाम है? आप लोकल नाम क्या है? कुछ आप किस नाम से जानते हो? हम उसको एक तो कहते हैं उससे सेत भरुआ। सिर भरुआ, सेत भरुआ, सेत भरुआ, तो उसका फूल जो होगा सेताई चिपचाई होगा, जंगल में होता है। हाँ जंगल, कृतिवा, कृतिवा, वो कड़वा बहुत होगा। हाँ कृतिवा होता है, बहुत कड़वा। अच्छा हाँ, चिपचिप होता है ना उसका जड़ में, उसको जड़ खोल लोगे तो मूली की मूली जैसा उसका बक्कल टिक्कल निकलता है, ठीक है। हाँ, वो अगर खाओगे तो तुमसे खाया नहीं जाएगा, इतना कड़वा होता है, बहुत कड़वा। हाँ, इसका नाम एक बार और बताइए तो, नाम के लिए आपने इसका, इसका नाम क्या बताया? सेठ बरुआ, सेठ बरुआ। हाँ, पौधा है या बेल है? पौधा, पौधा है। कितना बड़ा होगा? अच्छा, हर बड़ा होगा। हाँ, करीबन दो ढाई या तीन फीट तक बढ़ जाता है। अच्छा चलो, होगा कुछ। और एक रसदौर होती है, वो ऐसे करके जमीन में चिपक के, और एक डंडी निकल जाएगी, पत्ता ऐसे करके, पत्ते ऐसे फैले रहते हैं। हाँ फैले होंगे, और एक उसकी डाली ऊपर आ जाएगी। तो इसका नाम क्या है? रसदौर बोलते हैं हम, वो भी करूँ जो। अच्छा, तो ये जो आपने सतबरवा बताया, हाँ इसमें क्या करते हैं? जड़ खाते हैं? हाँ हाँ, जड़ खाते हूँ। अच्छा, और ये रसधौर की? हाँ, और वो भी उसकी शाखा निकलेंगी। हाँ नहीं, इसमें क्या खाते हैं? वो भी शाखा जो अंदर गई, जड़ी खाते हैं, जड़ी। अच्छा, इसमें जड़ खाते हैं, वो बिल्कुल ये बाल की तरह निकलेंगी झुंड अंदर। यहाँ मिल जाता है आसानी से? यहाँ, हाँ यहाँ अब बागों में मिलता था, अब तो बाग तो रहे।
अच्छा, तो अभी कहाँ लाना पड़े तो जंगल जाओगे? हाँ जंगल, जंगल में भी मिलता है। मिल जाएगा ना अभी? हाँ चलिए ठीक है। चलो और उसके बाद ये जोड़ों के दर्द, गठिया हटिया हो जाए तो उसके लिए कुछ करते हैं? गठिया का ये एक पान जैसी बेल होती है। अच्छा, पान जैसी बेल होगी। हाँ, और उसमें वो भी आएंगे, उसकी पत्ता पत्ता में बेल बेल में ऐसे फरेगी, वो आंगी उसमें डोडी इतनी बड़ी बड़ी, उसको पका के खाते हैं। क्या नाम है इसका? ये सब्जी बनाते उसकी क्या? इसको बोलते हैं क्या नाम है इसका? इसका नाम ताड़, ताड़ की जैसे दूरी होता है। हाँ ऐसी होती है। अब बेल ये बिल्कुल गहने जैसी बेल हो, जो पान का पत्ता होता है, एक पान का पत्ता होता है तो उसी का आकार होगा डाइस्कोरिया जैसा। डाइस्कोरिया, और हम बोलते हैं उसे तुर आ गई, तुर बोलते हैं। अरे वही दादा ही सर, केवल बरसात में आती है केवल? क्या सब्जी बनाते उसकी? हाँ उसकी खाते हैं। अरे छोटे छोटे ये गटिया में काम है। सुनो सुनो, तो उसका जो जाते काले काले दाने आते हैं उसमें ना? हाँ छोटे छोटे। आलू कैसे, आलू कैसे दाना रंग कलर होगा? काट के कत्थई सा, काट के कत्थई कत्थई। हाँ उसमें कुछ कांटे भी होंगे थोड़े। हाँ वो, हाँ सर शर्मा जी डाइस्कोरिया ही है। क्योंकि उसमें लटकते हैं दादा, केवल बरसात में लगती हो केवल वो, बस है ना होती है ना, तो इसका वही खाते हो ना जो अभी बालू बता रहे हो? हाँ उसको खोद के। हाँ जड़ भी। हाँ शर्मा जी सब्जी भी खाते, हम भी खाते हैं। डाइस्कोरिया है वो, मीठा होता है खाने में दादाजी, मीठा होता है खाने में। डाइस्कोरिया ही है, ठीक है। डाइस्कोरिया है। इसका इस जोड़ों के दर्द में क्या काम आता है इसका, जड़ या ऊपर वाला दोनों? ये अंदर से भी उसकी जड़ भी खोद के निकालते हैं, बहुत बहुत गहरी में निकलती है। बहुत गहरी निकलती है, गहरी निकलती बड़ा बड़ा हाँ हो जाता, समझ गया डाइस्कोरिया ही हो। डाइस्कोरिया है। तो इसका जो ये गठिया के लिए क्या यूज करते हो, इसका ऊपर वाला या नीचे वाला, दोनों खाते के? तो दोनों खाते हैं तो गठिया सही हो जाएगा। हाँ गठिया अपनी उसकी जो इतनी बड़ी बड़ी भी जोड़ी होगी। हाँ शर्मा जी वही है, सब्जी खाइए। हाँ अच्छा, तो ये कम कर देगा है बिना? चलिए बहुत अच्छा, बड़ी बात। अच्छा मुंह में कुछ छाले हाले हो जाए, जीभ खराब हो जाती है उसकी? बाबू जी एक गुलर होती है। अच्छा गुलर जानते हो? गुलर जानते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुला उसका पत्ता होता है, उसमें पत्ते में वो निकल आते हैं, दाने जैसे हो जाते हैं। हाँ वो दाने जैसे होंगे पत्ते में। हाँ उसको छुटा लीजिए। अच्छा पत्ते में से, ठीक है, उसको जो वे होंगे उसको छुटा लीजिए। हाँ छुटा के और सुखा लो। अच्छा क्या पत्तियों को छुटाना है या उसको छुटाना है, जो दाने जैसे निकलते हैं वो दानों को? दाने जैसे वो दाने सुखाने, उसको काम में लाना है, दाने काम में। हाँ हाँ उसको फिर सुखा लेना, ठीक है, सुखा लेना। और सुखा के जब वो सूख जाए तो उसको आप पीसिए, ठीक है, सेल सेल में इतना पीसो कि बिल्कुल बारीक हो जाए, ठीक है। हाँ और फिर इसमें क्या डालोगे? ये गाय का मक्खन। अच्छा तो उसको फीटिए। अच्छा फीट के और लगाइए। और कहाँ लगा रहे हो? अभी चेहरे पे कह रहे हो? चेहरे पे तो आपने चेहरे का बता दिया, ये इससे क्या होगा? जे जो जे दाने से उठे होंगे। अच्छा, कीलों से जो शकल बिगाड़ देती है। अच्छा अच्छा ये तो इसको चाहिए फिर। मैंने एक कोई मुझे सफर में मिला था
लेडी। अच्छा, मैंने उसको बताया था। अच्छा, मैंने उसको नंबर भी दिया। मैंने कहा बिटिया, अगर ये तेरा ये मर्द नहीं जाए। हाँ, ये तो, मस्से मेरे भी हो रहे हैं, ये मस्से ऐसे हो जाते हैं मेरे भी कभी, उन्हीं का है। हाँ, ये मस्सों का इलाज। तो मैंने उससे कहा था कि तू मुझे याद करना। अच्छा, पर ये पता नहीं कि उसका मर्द गया कि नहीं गया। नहीं ठीक है, इसको मैं भी करूंगा इसका इलाज। मेरे भी एक दो मस्से बार बार निकल आते हैं यहाँ पर ही। हाँ, बार बार साफ करते रहो तो फिर आ जाते हैं। फिर जो मुंह पे ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने मस्सों का इलाज बता दिया, अच्छी बात है।